इसका सिर्फ यही सिस्टम बचा और बाकी ये खुल गया, बहुत जल्दी खुल गया। तब हेलो भाई, मैं विवेक, और आज भाई उसी दिन शाम की वीडियो जिस दिन हम किर्लोस्कर लेके आए, मतलब वीडियो अपनी काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही है। इसके इंजन की मैंने पहली जो वीडियो उसमें बताया था कि इसका इंजन का काम करवाना है, तो अभी भाई मैं इसको छोड़ के आ रहा हूँ। मतलब आज सुबह का ही अपना नंबर था कि आज सुबह इसको छोड़ना है, लेकिन आज हम आए फिर थोड़ा सा मैंने सोचा कि अब नहीं करवाते, अब शाम को छोड़ दूंगा। तो अभी शाम के 6:04 हो गए, अब इसको छोड़ के आता हूँ वहाँ पर। इसलिए छोड़ रहा हूँ अभी शाम को ताकि इसका कल सुबह जल्दी काम स्टार्ट हो जाए। वैसे अपने को जल्दी इतनी नहीं है क्योंकि अपने पास ये भी है, लेकिन वो उनका काम अपना इसका मतलब खोलना, इसको चालू कर देंगे। इसमें एक है मेन इंजन का, दूसरा भाई क्लच प्लेट बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म। मतलब ब्रेक लगा दो और इसको छोड़ भी दोगे ना तो भी हो सकता है ये आगे नहीं बढ़ेगा, इतनी खत्म थी। उसके बाद में पीछे से अच्छा, एक और खास इसकी बात यह है कि अभी तक इसमें कुछ भी चेंज नहीं, मतलब इंजन तो खैर इसका बना है, दो बार बन रखा, अब तीसरी बार बनेगा और अभी भी इंजन चल रहा है, कोई सीज वीज नहीं है। लेकिन हल्की सी गर्मी पकड़ रहा था, अब तो इसने गर्मी पकड़ना भी छोड़ दिया। लेकिन वही है कि भाई ये काम अगर फुर्सत टाइम में हो जाए, जब ये सब अभी जैसे बारिश चल रही तो ये फुर्सत में ये काम हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर मान लो अपना सीजन चल रहा है और उसके बीच में अगर इसको कुछ होता है तो ज़्यादा तकलीफ। इससे बेहतर ये है कि अपन पहले इसका काम करवा लें, क्योंकि क्लच प्लेट पीछे से भी इसको खोलना है थोड़ा सा। इसमें से आवाज़ आती है, पता नहीं क्राउन पिनियन में से क्या चीज़ की आवाज़ आ रही है, वो तो खुलेगा जब पता चलेगा। तो इतने काम इसमें कराना है। वैसे मैंने और भी कुछ इसको सोच के रखा है कि यहाँ पे अगर बढ़िया सिस्टम होता है तो मतलब पावर स्टीयरिंग का, कि अगर पावर स्टीयरिंग यहाँ पे अगर हो जाए अपने यहीं पे लोकल में तो वो कोशिश करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे करने में भाई बहुत मेहनत का काम है। ये इसका पूरा चेंज होगा, उसके बाद में अभी तक जहाँ पे मैं करवाऊँगा हमने कभी पावर स्टीयरिंग किया नहीं है, पहले ही अपना ट्रैक्टर होगा यहाँ पे, मतलब ये ऐसा काम होता है नहीं। तो वही थोड़ा सा डर है कि भाई इसमें अपन क्या करवाएं, कैसे करवाएं, यहाँ पे पावर स्टीयरिंग देखा नहीं कि अपने यहाँ लोकल में कोई सा ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग हुआ है। अगर होगा तो ये पहले ही अपना होगा कि पावर स्टीयरिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे भाई ऐसे कोई करवाता नहीं पुराने ट्रैक्टर को। यहाँ पे नए नए ट्रैक्टर अपने यहाँ पे भी अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा रखते हैं, पुराने को ऐसा है कि भाई ट्रॉली पर चलेगा और बढ़िया इसको कटवा के फिर नए ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत करते नहीं। लेकिन अपने को ये चीज़ चाहिए, अपने को थोड़ा सा इसका शौक है, तो इसलिए अगर देखेंगे। वैसे इसका स्टीयरिंग इतना भी हार्ड नहीं है कि अपने को पावर स्टीयरिंग की बिल्कुल ज़रूरत ही है, ये बढ़िया है। मतलब इसके कंपेरिजन मैंने बहुत से ट्रैक्टर ऐसे चला है जिनका इतना हार्ड कि आप परेशान हो जाओगे, लेकिन इसको कोई तकलीफ नहीं। और उसके बाद में एक ये भी है, एक तो इंजन, दूसरा क्राउन पिनियन, बाकी पावर स्टीयरिंग का सोचा है अगर मिल जाए तो ठीक है। और एक ये देख रहे हो, यहां से ये दबा हुआ, ये बहुत पहले से दबा हुआ, मतलब मैं देख रहा हूं ना तब से इसको दबा हुआ देखा। ये मैं जब से इसको देख रहा हूँ तब से मेरे सामने इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि कहीं पे ये ठुकाया और इसको लग गई, सिर्फ ये पहले से ही ये जो भी है ना, अपने पास जब ड्राइवर थे, पहले काफ़ी ड्राइवर रह चुके हैं तब की ये इसको लगी हुई है, वो तो ड्राइवरों की निशानी है इसके ऊपर भी और इसका भी। वो आगे से यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये दिख रहा हल्का सा, ये ड्राइवरों की निशानी है जो इन पर छाप छोड़ दी। बाकी ये अगर अपने कहीं कबाड़ खाने में मिलेगा तो ये भी अपन बढ़िया वाला लगवा लेंगे, और ये जाली भी। वैसे इनसे कोई इतनी तकलीफ है नहीं, लेकिन अगर कहीं मिलता, क्योंकि नया तो मिलेगा नहीं है। और उसके बाद में यही कुछ इसमें काम करवाना, अभी क्या क्या होता है वीडियो में आगे, क्या इसमें सिस्टम है, क्या पावर स्टीयरिंग हो पाता है या नहीं, इसका भी भाई मैं कोई पक्का नहीं बता सकता। तो चलो इसको छोड़ के आ जाते हैं, बाकी ये वीडियो को फिर कंटिन्यू करेंगे जब मैं इसको देखने जाऊँगा कि इसका अभी कितना काम हुआ है। कि ये भी नहीं है यार, इसका ये भी मिला नहीं था अपने यहाँ पे, इसको भी लाना है। और इंजन की आवाज़ सुनो तो मतलब आवाज़ सब बढ़िया है, ऐसे कोई इसमें तकलीफ नहीं है कि यार बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया ये। और स्टीयरिंग इतना ढीला है कि आप एक हाथ से ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन अपने को और ढीला चाहिए था, क्योंकि आप पावर स्टीयरिंग की आदत लग गई है तो ये थोड़ा सा टाइट लगते हैं, टाइट। बारिश आना स्टार्ट, तो चलो अभी तो ये ऐसा है, आप देखो कल पूरा शायद हो सकता है खोल दे ये पूरा इसको बनाने के लिए। ये वाला लाइट देखो बढ़िया लग रहा है, इसमें एक बार लाइट भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइट है सिर्फ 100 के हैं, बाकी इनका लाइट उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये टायर में से आवाज़ तो कैमरे में क्या सुनाएगी, लेकिन चू चू जैसे ये टायर कहीं पे लग रहा हो बोनट में ऐसी आवाज़ आ रही है, बाकी लग कहीं भी नहीं रहा, बस खाली आवाज़ आवाज़ है इसमें। और एक हैंडल में ये यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से इसका नीचे शायद इसके ऑयल होता है, वो ऑयल भी इसका गिर गया तभी थोड़ा सा और हार्ड हो गया। हैंडल भी टूट गया,
इंजन ताकतवर, ब्रेक की औकात भी रोक दो। The next day. तो ये अपना 735, इसका सिर्फ यही सिस्टम बचा और बाकी ये खुल गया, बहुत जल्दी खुल गया, तो पहचान में भी नहीं आ रहा। और अब होगा बीच में से अलग, दो भाग में। तो इसमें करना क्या क्या है? शुरू किया है इसका इंजन बनाना हमको जी, इंजन रिपेयर करना है, फुल इंजन रिपेयर, और उसके बाद में पावर स्टीयरिंग। हाँ, एक पावर स्टीयरिंग हो गया, इसमें टाइमिंग कवर का सिस्टम चेंज करना है, टाइमिंग कवर चेंज करना है, पावर पंप वाला लगाना सिस्टम। हाँ, ताकि क्लच दबाओ फिर भी वो ऊपर उठ जाए। और हाँ, और पीछे से अभी इतना करने के बाद में फिर है ना, पीछे खोल के देखना पड़ेगा कि पीछे क्या तकलीफ है, जो इलाज होगा उसका। तो ये लो, शाम तक पूरा ही खुल गया, थोड़ा सा और बचा है, बाकी हो गया कम्प्लीट। इसके अंदर की पूरी अस्थि, पलंजर, दिल, हार्ट, गुर्दा, सारा कुछ खुद भी गिर जाता, अभी सारा कुछ निकल गया, और वो ऊपर की खोपड़ी पड़ी इसकी। तो भाई ये है अपनी लगभग 2 या 3 दिन बाद की वीडियो, जिस दिन अपन ने 735 को खोला था ना, उस दिन के 2 या 3 दिन की बाद की वीडियो। तो आज मैं आपको 735 भी दिखाऊंगा, प्लस उसका कितना काम हुआ है, और अभी काम मतलब रुक गया क्यों, उसका भी कारण बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हो जाता। अभी मेन कारण ये है कि भाई अपने को करना है उसको पावर स्टीयरिंग, और पावर स्टीयरिंग में अपने यहाँ पहले कभी ऐसा सिस्टम हुआ नहीं है, इधर से चलें तो हुआ नहीं है, तो उसमें तकलीफ ये आ रही है कि अपने को टाइमिंग चेन बदलनी पड़ेगी। अब टाइमिंग चेन बदलनी पड़ेगी वो हमको आ नहीं रही, टाइमिंग चेन कैसे फिट होगी, उसमें थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमें इंजन भी मिला है भाई, 2010 मॉडल है ना वो, 2010 मॉडल 735 का इंजन, वो भी अपने को मिला है, कम कीमत में मिलेगा, मतलब अपना जो इंजन बनने में खर्च आएगा उससे लगभग ₹1000 ज़्यादा में अपने को वो इंजन देने का बोल रहे हैं कि आपको मतलब नया तो नहीं, पुराना वाला इंजन ही दे देते हैं, तो आप उसमें टाइमिंग चेन वगैरह सारा सिस्टम आ जाएगा तो उसको लगा लो। अपना मन थोड़ा सा आगे पीछे है कि भाई अपना पुराना इंजन को क्या करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो में जो भी जितना भी जो कुछ है वो आपको दिखाता हूँ, प्लस ये वीडियो को मैं डाल देता हूँ ताकि आप भी कमेंट करके बताओ कि क्या करना चाहिए, कि या फिर पावर स्टीयरिंग रहने दे। बड़ी समस्या आ गई, अभी समस्या ये है कि मतलब हमारे यहाँ पे हुआ नहीं है, सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ तो यही है। अगर जैसे मैंने महाराष्ट्र में अपन ने अपने ये किर्लोस्कर को करवाया था, वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ट्रैक्टर को करके रखा है तो उनको सारा कुछ आइडिया है। अभी यहाँ पे ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं है, नया है, तो थोड़ी सी भाई दिक्कत तो आएगी। प्लस हमारे यहाँ एक और दिक्कत है, जैसे मेरे को अगर कुछ सामान टाइमिंग चेन भी चाहिए तो मेरे को यहाँ से कम 200-250 किलोमीटर दूर से वो चीज़ लानी है। अभी इतनी दूर से लाने के बाद वो फिट हो या ना हो, और अगर शोरूम की बात करूँ तो वो भी यहाँ से कम 40 किलोमीटर दूर है, तो सामान की थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे हमें सामान जो चाहिए वो मिल नहीं पाता, इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही। बाकी अभी आगे है 735, वो आपको दिखाऊंगा, प्लस ये भाई साहब भी थोड़ी सी दूसरी तैयारी में है, मतलब ये अब शायद हो सकता है वीडियो में कम दिखेगी, दिखेगा नहीं दिखेगा, 15-1 महीने बाद ये जा रहा है भाई भोपाल, इसके भी कुछ कपड़े मतलब स्कूल ड्रेस वो लाना है, और 35 स्कूल ड्रेस नहीं, हाँ कॉलेज ड्रेस, सॉरी कॉलेज वाले बच्चे कॉलेज ड्रेस, ये खड़ा 735 बिखर गया यार वो, तो ये देखो बिखर गया। और बहुत से भाई पूछ रहे थे कि भाई किर्लोस्कर में कितने रुपए लगे, तो उसमें भाई 3 लाख रुपए का समथिंग लगा, मतलब 3 से या तो 10-20 ऊपर मान लो या 10-20 नीचे मान लो, क्योंकि उसमें सारा सामान जो है वो नया है। अगर अपन कुछ चला हुआ लेते जैसे भंगार में से, मतलब भंगार से कबाड़ खाने से, पुराना सिस्टम पुराने महिंद्रा का जिनका एक्सीडेंट हो चुका, अगर ऐसे कुछ ट्रैक्टरों का अपन डलवाते तो वो चीज़ अपने को कम में मिल जाती काफ़ी, लेकिन अपन ने पूरा सिस्टम नया डलाया तो फिर उससे अपनी जो कीमत है वो बढ़ गई, और बाकी काम भी आपने देखा काफ़ी बढ़िया हुआ है। लगभग जो चीज़ उन्होंने बोला कि ये अपन चेंज कर देते हैं, उसका फ्यूल पंप भी 2 बार उन्होंने खोला था, मतलब खोल के उसको पहुंचाया, उसमें कुछ दिक्कत थी वो सारा सिस्टम सही किया, तो ऐसे करके भाई उसमें 3-1 लाख रुपए लग गए। मैंने पूरा वीडियो बीच बीच में इसलिए बनाया क्योंकि मैं तो आ गया था भाई MP, और उसके बाद में यहाँ तो ये सिस्टम बंद है,
मैं एमपी आ गया था, और उसके बाद में किसी भी अगर कोई काम कर रहा है किसी भी चीज़ का, अपन उसको बार बार डिस्टर्ब करें तो वो भी अच्छा नहीं है। पीछे करूँ थोड़ा, यहाँ से भाई उठाना है अपने को दाने की बोरी, जो भैंस गाय अपनी खाएगी ना दाना, वो यहाँ पे पिसा हुआ है, तो वो लेके चलते हैं। इसलिए मैंने चाहिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि कल शायद फिर मैं आपको और कुछ दिखाऊँ, अगर इंजन विंजन का क्या सिस्टम हो गया। अभी ऐसा कोई पक्का नहीं है कि उसका इंजन चेंज हो, क्या होगा, कुछ भी पक्का नहीं है, वो तो कल ही पता चलेगा। नहीं तो मैं आपको बोल दूँगा भाई अपन इंजन चेंज कर रहे हैं, और फिर नहीं हुआ, फिर आप कमेंट करोगे कि तुमने तो इंजन का बोला था, इंजन चेंज नहीं हुआ। खैर चलते हैं, आवाज़ कम करना थोड़ी। तो भाई ये है हमारे यहाँ का मार्केट, मतलब यही मार्केट है, बाकी इससे ज़्यादा है यह मार्केट नाम में कुछ नहीं है। और ये मार्केट आप देख रहे हो, बस ये ऐसी दुकान, और ये चालू होते से ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं मिलता। यहाँ तक कि स्प्रे पेंट भी मैंने आपको बताया था ना कि नहीं मिल रहे, तो फिर मैंने बुलाए थे पंजाब से, वहाँ पे कम में भी मिल गए अपने को। इधर चलना अपने को सोनू, चलो तो मैं आपको स्प्रे पेंट जो अपन ने बुलाए वो भी दिखाता हूँ अभी। ज़रा मार्केट के संघर्ष को तो पार करें पहले। और ये वाले जो मैं आपको दिखा रहा था स्प्रे पेंट, आवाज़ से समझ गए। और ये वहाँ पे मतलब 100 रुपये में मिले, 100 रुपये का एक, और अपने यहाँ कितने मिलते हैं, 190 रुपये का एक। लेकिन क्वालिटी पता नहीं, जब अपन पेंट करेंगे तब पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी क्या है, क्योंकि सस्ते हैं तो हो सकता है पेंट की क्वालिटी कमज़ोर हो। और ये देखो पूरे कपड़े ख़राब, ये इनकी कॉलेज की ड्रेस। अरे कम कर ले, अरे कॉपीराइट आ गया अब तो। ये कॉलेज की ड्रेस, और ये ड्रेस में अगर ये बंदा कहीं मिले तो रोने लगा भाई साहब। ये बस पहला दिन कॉलेज का, कॉलेज से फोन आ रहे, इतने फोन आ रहे, मतलब यहाँ से कॉलेज कितने किलोमीटर होगा भोपाल, 250 किलोमीटर। वो बोल रहे तुम कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, तुम्हारे को कॉलेज में तुमने एडमिशन तो ले लिया, कहाँ की दुनिया में हो तुम, ये आप जा रहे पता नहीं कहीं कितने दिन, 1 महीना हो गया कॉलेज को स्टार्ट हुए कि जाते, 1 महीने से ऊपर आप जाएंगे ये कॉलेज। खैर पर अपना यार ये सीट भी आगे ही नहीं आ रही। तो जी अभी हम जा रहे हैं खाद लेने, हमारे को खबर मिली है कि अपने को खाद लाना है। और बहुत से भाई बोलते हैं कि इसमें चार्जर लगवा दो, तो चार्जर ये देखो ये लगा दिया अपन ने चार्जर, यहाँ पे पावर बैंक रखो और बढ़िया चार्ज करो। खैर इसमें भी लगाना होगा तो लगा देंगे। और ये आवाज़ अभी भी नहीं गई, बहुत से भाइयों कमेंट है कि इसको सही करवा लो, लेकिन इसको अभी सही अपन करवा नहीं सकते ना, क्योंकि अपना सबसे महंगी भी है नहीं यहाँ पे। शायद इसका सो खुलेगा या फिर दिखवाना पड़ेगा, सो भी नहीं खुलेगा शायद, इसकी कुछ रबड़ कोई सी कट गई होगी, या फिर ये वाला जो लॉक है ना ये बदलाएगा, वही समस्या होगी। तो चलो वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद में फिर आपको दिखाता हूँ। स्वराज के यही फायदा, 3 नंबर डाल दो और फिर 4 डाल दो, बीच के गेरों की जरूरत ही नहीं। उड़ेगा यहाँ से, गिरने लगा, रिवर्स आन दे, ले सुनो रिवर्स आन, हाँ रिवर्स ट्रैक्टर, हाँ रुक जा रहे जरा पीछे देख जे, फिर वो सब हटवा ही दे सामान, तो पानी काम खराब कर देगा रे। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि भैया स्वराज के ब्रेक बहुत कमजोर होते हैं, अभी देखो कहाँ पे खड़ा है, और ये ब्रेक छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि ब्रेक पे पैर रखे बैठा हूँ, पूरी उतार में, और पीछे ट्रॉली भी भरी हुई है, मतलब ब्रेक तो है बड़ा नहीं, पावर बैंक नहीं खराब हो जाए, ये बाढ़ का पानी। तो भाई आज की वीडियो में था इतना ही, हाँ हॉर्न बजा ले, आज की वीडियो में था इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो भाई नहाते धोते पहुँचते हैं घर, पीछे हमने ट्रॉली पर पाल डाल दी थी। और आज की वीडियो में था इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। टेम्पो पलट जाएगा,